हमारा घर या जहाँ पे हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसकी एनर्जी हमें अफेक्ट करती है। फेंग शुई, यस, ये हमें बहुत अच्छे से सिखाता है कि किस तरह से हम अपने घर की एनर्जी या हम ऑफिस की एनर्जी या जहाँ पे भी हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसको बैलेंस कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली हम भी एनर्जेटिक बींग्स हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, या फिर अगर नहीं किया तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बता सकती हूँ। अगर आपको फील करना है कि एनर्जी कैसे है, यू नो हाउ कैन वी कैन से कि हम एनर्जेटिक बींग्स हैं, ईजी एक्सरसाइज है, सब ये आराम से कर सकते हैं। बस आपको रब करना है अपने हाथ और करते रहिए, जोर से भी आप रब करेंगे तब भी चलेगा। और उसके बाद अगर आप इनको थोड़ा सा हाथ को अलग करते हो तो उसके बीच में आपको कुछ रोटेट होते हुए फील होगा, सेंसेशन, दैट इज एनर्जी। सो फेंग शुई, या फिर हाँ डेफिनेटली हम फेंग शुई बोलते आए हैं, बट दी राइट प्रोनंसिएशन इज फेंग शुई। सो ये इंडिकेट करता है इवन दी ऑब्जेक्ट्स, यू नो, दे गिव अस एनर्जी। हमारे घर में जो जो चीज़ें रखी हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती हैं। सो चूज थिंग्स वाइजली एंड लेस इज मोर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फेंग शुई, कि आपको कम रखना है, क्लटर फ्री घर रखना है, और आप देखेंगे कि जो एनर्जी हम सबके अंदर है या गवर्न कर रही है, जो हमारे घर में घूम रही है, वो फ्रीली फ्लो करे। एंड वी नो फेंग शुई ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। सो अगर हम चाइना की बात करें, उनके पुराने स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करें, तो वो तीन लक्स के बारे में बात करते थे। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लक। वन इज हेवन लक, जैसे हम बर्थ लेते हैं, हमारा एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है ना कि बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ था, या यू नो उसकी ये ट्रेट्स होगी, या ये मर्करी रेट्रोगेट का टाइम था, या वट एवर स्टार्स, गैलेक्सीज, जो भी उस टाइम पीरियड में यू नो द पावर वॉज देयर, तो उसके हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है, लक लेके आता है, उसको बोलते हैं हेवन लक। फिर दूसरा उनका था ह्यूमन लक, जो कि हम जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद हमारा कर्मा साइकिल चलता है, हम हमारे चॉइसेस होते हैं, हमारा बचपन, चाइल्डहुड, ट्रिगर्स, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें हमारा कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन लक, जिसको आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बना सकते हो, कर्म अच्छे करके ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को। एंड तीसरा है अर्थ लक। अर्थ लक होता है जैसे जो नेचर है हमारे आसपास का, उसकी राइट एनर्जी को यूज अगर हम करें तो हम बहुत सारा लक अपने साथ ला सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ जगह बहुत पीसफुल होती है, आप सी बीचेस के पास चले जाएं, आप सडनली सिटी में हसल बसल और ट्रैफिक है, सब कुछ है, उसके बीच में चले जाएं, तो देयर विल बी अ बिग एनर्जी डिफरेंस, आपको वो फील होगी। आप एक जगह से थक के आएंगे और एक जगह से कितने भी थके हुए हो बहुत रिजुविनेट होके आते हैं। सो दिस शोज कि हमारी अर्थ एनर्जी के साथ हम कितने कनेक्टेड हैं और कितनी चीज़ें हम लेके आते हैं अपने साथ। सो अर्थ एनर्जी को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, डिटोरिएट करती हैं एनर्जी को। एंड इसकी इन्हांस कैसे होती है एनर्जी, एकदम से जब बारिश हो जाए, धूप है, गर्मी है और पोल्यूशन है, और एकदम से बारिश हो जाए तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, एंड दिस एनर्जी ऑल्सो अफेक्ट्स यू बिकॉज आपका मूड एकदम से सडनली यू नो इट रीचेस टू अ हायर वाइब्रेशन। ऑल्सो इन द स्क्रिप्चर इट इज मेंशन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ची। ची एनर्जी को बोलते हैं, एंड वन इज शेंग ची, द अदर वन इज शा ची। शेंग ची पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप अपने घर में बढ़ा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी, जिसे आप इन्हांस कर सकते हैं, और आप देखेंगे ना सिर्फ आप हेल्थ में, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यू नो अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप खुश रहते हैं, आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से सिर्फ अपनी बातों के थ्रू भी हील कर सकते हैं, आप देखेंगे आपके काम बनने लग जाते हैं। दैट इज़ दी पार्ट ऑफ शेंग ची। और शा ची होती है जो स्टेग्नेंट एनर्जी होती है, क्लटर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है, या फिर डैम्पनेस है, कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं, यू नो आप किसी पैसेज में एंटर करते हो और आप सडनली देखते हो कि इतने सारे जाले हैं, ये सब हैं, तो वो चीज़ आपकी एनर्जी लो करती है और कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है, आपका ऑरा डिस्टर्ब करती है। अब अगर आपको अपनी शेंग ची यानी अच्छी वाली एनर्जी बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, नंबर वन स्टेप, क्लटर फ्री। जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपको लगता है उठा के कि शायद
मैं बाद में करूंगा, आप वेट कर लीजिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आप विद इन सिक्स मंथ्स उसको यूज करते हैं। अगर आप फिर भी यूज नहीं करते देन इट इज टाइम टू से गुडबाय, बिकॉज बहुत सारी चीजें बस हैंग ऑन होती हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। हम किसी और को दे दें शायद वो किसी और के काम आ जाए एंड आपको बदले में उससे भी ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। सो ट्राई टू बी उदार और अपनी जो चीजें आपने होल्ड ऑन करके रखी है उसको दे दीजिए। प्लांट्स रखिए, घर की एनर्जी बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है। इनडोर्स एंड आउटडोर प्लांट्स आप अगर रखते हैं तो नेचर एलिमेंट्स एक्टिवेट होते हैं। नेचर एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था वो रियल होती है फेरीज की, एल्व्स की, और जो छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जो हमें शायद नहीं दिखते बिकॉज ऑब्वियसली उनका डिमेंशन हमारा डिमेंशन अलग है, जो नेचर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं वो भी आपके एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस चेयरफुलनेस लेके आते हैं। सो यू कैन इंक्रीज योर नेचर एलिमेंट इन योर हाउस। अच्छे प्यारे डेकोर्स जो आपका मूड अपलिफ्ट करें, जिनको देख के आपको अच्छा लगे, स्पेशली वो डेकोर्स जिनका कुछ मतलब नहीं होता है, वेवी लाइन्स है और वो कहाँ जा रही है क्या जा रही है आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आपके माइंड को अफेक्ट कर सकती हैं। आप अनसर्टन रहेंगे, क्लैरिटी आपके अंदर नहीं रहेगी। रादर देन आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स चूज करिए जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लावर्स या कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको लगती है कि यू नो कलर्स हैं वो आपके घर को गेटअप देते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट योर गुड एनर्जी। म्यूजिक चला सकते हैं टाइम टू टाइम, आप म्यूजिक सुनिए, ये भी आपकी एनर्जी घर की लिफ्टअप करती है एंड अलाउज दी शेंगची टू फ्लो ब्यूटिफुली इन योर हाउस। आप इंसेंस जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, प्रेयर्स करिए, ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों से आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी घर में ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेट होने लगती है। अब हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्लटर, क्लीनिनेस नहीं होना घर में, फाइट्स वगैरह होते रहना, और अगर आप पूरा घर बंद करके रखते हैं सो वो भी आपकी एनर्जी अच्छी एनर्जी को आने से रोकता है। अगर आप टूटी फूटी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, बॉक्स है उसके ऊपर का कवर नहीं है, ऐसे डिब्बे पड़े हैं जिनको आप कभी देखते भी नहीं होंगे और उसमें अंदर कोई कुछ ना कुछ रॉट कर रहा है, ये चीज़ें आप तुरंत घर से बाहर फेंकिए। डस्टबिन जो ओवरफ्लो हो रहा है, अगर आपका डस्टबिन वो किसी क्लोज शेल्फ के अंदर है तभी हम थोड़ी बहुत रोक सकते हैं उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने में, बट अगर वो खुला आपको दिख रहा है देन ऑल्सो इट विल जस्ट प्रमोट दी नेगेटिव एनर्जी। आपका घर अगर डल सा है, आप उसमें अगर आप सोचते हैं कि यू नो हम उसमें तो रह रहे हैं, रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, डेकोर करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से जाना ही है, देन ऑल्सो वी शुड रियलाइज कि कहीं ना कहीं दैट इज़ ओके, आप हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें बट हल्के फुल्के प्यारे प्यारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आप अपनी स्पेस बहुत प्यारी बना सकते हैं। तो आप खुद ही देखेंगे कि जो भी आपके घर में एंटर करता है उसको लगेगा हाँ यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ अच्छा लग रहा है। म्यूजिक चलाते हैं तो सिर्फ उदास वाले गाने सुनाते हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी वॉल क्या एब्जॉर्ब करेगी सैडनेस। सो अगर चलो आपको शौक है थोड़ी देर सुन लिया दैट्स ओके, बट उसके बाद कोई चेयरफुल गाना जिसमें हिम्मत हो, इंस्पिरेशन हो या फिर जॉय हो आप वो भी चला सकते हैं जिससे आप अपने फील करें। आप अच्छे अच्छे चांस लगा सकते हैं, मंत्रास लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अफेक्ट करती हैं ना, आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी बढ़ने लग जाते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और भी शेयर करना है या आप कुछ बताना चाहते हैं डू कॉमेंट बिलो एंड आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। टेक केयर, नमस्ते, हैव अ नाइस डे।